जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय नमोस्तु। अभी बात संस्कारों की जा रही है। पंच के लेना कुछ नहीं, संस्कारों के आरोपण से लेकर संस्कारों के प्रतिफलन की प्रक्रिया है। कल से पंच के लेना प्रारंभ होने वाला है और आप लोग अपने आंखों से देखेंगे कि किस प्रकार संस्कारों के आरोपण से पाषाण की प्रतिमा में भी भगवान प्रकट होते हैं। जैसे संस्कारों से पाषाण से भगवान प्रकट हो जाते, वैसे ही संस्कारों की अभिव्यक्ति से हम सबके भीतर के भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के अतीत को पलटकर जब कभी हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक समय वे भी हमारी ही तरह सामान्य थे, बल्कि हमसे भी नीचे की स्थिति में। भगवान ऋषभदेव कुक्कुट और मरकट की पर्याय से हमें दिखाई पड़ते हैं। भगवान महावीर पुरुरवा भील के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। भगवान पारसनाथ हमें हाथी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हर साधक अपने भीतर के संस्कारों को जागृत करके आत्मा से परमात्मा बन सकता है। उसी आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग कल से यहाँ प्रारंभ होगा। अभी कुछ बातें आज आप सबसे की गई, बात तो मुझे कुछ और करनी थी पर समय को देखते हुए मैंने केवल प्रासंगिक बात की चर्चा करने का मन बनाया। अभी आपको तीन सूचनाएं दी गई। इस पंच के लालक में कुछ लाभ हो, पंच के लालक तो सब जगह होते हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, निश्चित उसका लाभ भी लेते हैं। और पंचकलानक एक महान अनुष्ठान है, ये हम आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें पंचकलानक में सहभागी होने का मौका मिल रहा है। ऐसा देखा जाए तो जिस युग में तीर्थंकर साक्षात प्रकट हुए, हमें उनके किसी कल्याणक में सम्मिलित होने का अवसर मिला ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि यदि हम साक्षात भगवान के पंच कल्याणकों में सम्मिलित होते तो अभी तक हमारा कल्याण हो गया होता। कदाचित मिला भी होगा तो हमारी अंदर की बुद्धि जगी नहीं होगी। दुनिया में जो भी लोग भगवान के काल में होते हैं उन्हें भगवान के पंच कल्याणक में शामिल होने का अवसर भी मिलता है तो पाँचों कल्याणकों में नहीं। क्यों? पांचों कल्याणकों में वो ही शामिल हो सकता है या तो जिसकी उम्र भगवान से ज़्यादा हो, और दूसरा जो निरंतर भगवान के पीछे घूमता हो, है ना? अब भगवान के गर्भ में आने के पहले जो 8 बरस का हो जाए और भगवान के मोक्ष जाने के बाद इस दुनिया से विदा ले, अब निरंतर भगवान के पीछे चलता रहे, उनको भगवान के पंच कल्याणक का सौभाग्य मिलता है। अब आदिनाथ भगवान के साथ कैलाश पर तो कोई नहीं गया था, वो अकेले ही थे, है ना? तो कहाँ भगवान विचरण करते ये किसी को पता नहीं, और उस कल्याणक में सीधे साक्षी बनने का सौभाग्य हम सामान्य मनुष्यों को कभी नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा की कृपा से आचार्यों ने हम सब पर अनुकंपा बरसाई
और एक ऐसी विधि बना दी कि हम 5 दिन में ही भगवान के 5ों कल्याणकों को एक साथ देख सकते हैं, देख ही नहीं मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित ये महापूजा, ये आराधना, ये अनुष्ठान आप हम सबके जीवन के कल्याण का कारण बनेगा। लेकिन मेरे मन में आया कि पंच कल्याणक तो हमेशा होता ही है, कुछ प्रयोगात्मक कार्य भी होना चाहिए ताकि यहाँ इस पंच कल्याणक के निमित्त से लोग अपने संस्कारों को संरक्षित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कर सके। इसलिए 2 नए कार्यक्रम मानस में आए, कल ही मन में आया। हमने भाई अभय जी से बोला कि देखो इस कार्यक्रम को सेट करो टाइम निकाल करके, ताकि देश भर के लोग इससे लाभान्वित हो सकें। गर्भ संस्कार विधि, इस पंच कल्याणक के गर्भ कल्याणक के दिन होगा 2रे दिन। गर्भ संस्कार की बड़ी महत्ता है, आज वैज्ञानिकों ने भी इसे साबित कर दिया। ये अनेक प्रयोग हुए जिन्होंने पूरी तरह से गर्भ संस्कार कराया है। अधिकतर लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर नीलम अपना अनुभव कई बार इस मंच से साझा कर चुकी है। तो ये गर्भ संस्कार को वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। जैन और वैदिक दोनों परंपराओं में गर्भ संस्कार का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। अलग अलग माहों में जाकर अलग अलग संस्कार विधि लोग संपन्न कराते हैं। मेरे मन में आया कि गर्भ कल्याणक के इस अवसर पर गर्भ संस्कार से अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है। तो ये 16 तारीख को 3 बजे से, 15 तारीख को 3 बजे से, 3 से 2.5 घंटे में हो जाएगा। 15 तारीख को 3 बजे से लगभग 4:30 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा, जिसमें गर्भ संस्कार होगा। संयोगता आर्यिका संघ है तो महिलाओं का कार्य आर्यिकाओं के माध्यम से बहुत अच्छे से संपादित होगा। हर कोई जो एक अच्छी संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में अपना पंजीयन कराए, आज से ही करा ले। कोई भी वंचित ना हो, अपने परिचितों और इष्ट मित्रों को भी इसको सूचना दे दें, ताकि इस संस्कार का लाभ लेकर आप अपने भावी पीढ़ी का सही निर्माण कर सके। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और ये पहली बार गर्भ कल्याणक में हो रहा है। ऐसे लोगों ने हमारे सानिध्य में सामूहिक रूप से पहली बार हो रहा है, और इंडिविजुअली तो लोग कराते रहे हैं, मैं तो नहीं करता, लेकिन भाई बहन करते हैं। अजित सागर जी ने भी कराया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये गर्भ संस्कार की इस तरह से पंच के ललक में ये प्रक्रिया लोगों को बहुत लाभ देगी। हमारे आदि पुराण में गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय के संस्कार है, 53 संस्कार हैं। उन संस्कारों में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो संस्कार पुनर्जागृत होना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रयास एक बहुत अच्छा प्रयास होगा, जो इस पंच कल्याणक की एक सकारात्मक उपलब्धि होगी। दूसरी बात, जन्म कल्याणक के दिन जन्म को सार्थक बनाने वाला कार्यक्रम। हमारा जन्म तब सार्थक होता है जब हमारी धर्म दीक्षा होती है। धर्म दीक्षा के बिना जन्म की सार्थकता नहीं। इसलिए जन्म कल्याणक के दिन बालकों के लिए जैन संस्कार महोत्सव यहाँ होगा। आप अपने गर्भ से 8 वर्ष के हुए बच्चों को, 8 से 10 साल तक के बच्चे, 10 से बड़े बच्चे नहीं रखना है ना, 8 से 10 साल के बच्चे हों, ज़्यादा बड़ों में तो ठीक नहीं रहेगा। क्या तेरे 12 के हो गए क्या?
हाँ, तो बहुत ज़्यादा उम्र के बच्चे न हो, उन बच्चों को यहाँ आप लेकर आए, उनके अंदर जैनत्व के संस्कार दिए जाएंगे, ताकि वे बच्चे आपके धर्म धुरंधर बने, कुल वर्धक बने, धर्म रक्षक बने और चिरंजीवी बने, यशस्वी बने, मनस्वी बने, तेजस्वी बने, तपस्वी बने, अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। ये एक अच्छा कार्य होगा, उससे बच्चों में धर्म के प्रति बड़ा जुड़ाव होगा। ये दो कार्यक्रम इस पंच कल्याणक की कड़ी में जुड़े हैं। भावना योग के लिए भी बहुत लोगों का आग्रह था, संघ का भी आग्रह था, तो हमने कहा अब इसी में टाइम निकालना होगा। तो 15 तारीख को सुबह 6:30 बजे से 7:30 तक भावना योग का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद पूजन विधान आदि का पंच कल्याणक का कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा अवसर है, इस अवसर का सभी लोग लाभ उठाएं और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि इस पंच कल्याणक के निमित्त से हमारे अंदर हमारे जीवन के कल्याण का सूत्र जुड़े और हम अपना पथ प्रशस्त कर सके। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हमें आज अपनी भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए बहुत सजग होने की ज़रूरत है। संतान को जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सच्ची बात तो तब है जब हम संतान को सभा में बैठने लायक बना दें। कुरल काव्य में लिखा है कि संतान को जन्म देकर उसे इस तरह से संस्कारित कर लो कि उस संतान को देखकर लोग तुमसे पूछ बैठे, किस पुण्य के योग से ऐसी सुसंतान को प्राप्त किया, किस पुण्य के योग से तुमने ऐसी सुसंतान को प्राप्त किया। ये एक बड़ी बात है। तो ऐसी भावना अपने हृदय में सभी लोग जगा के रखें, उत्तरोत्तर सबका जीवन समुज्ज्वल हो, उन्नत हो, ऐसी भावना हम सबके अंदर हो तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं है, बात मुझे अपने दुख और उद्वेग को दूर करने वाली बात की करनी थी। आज बात अहंकार के विसर्जन की थी। अब अहंकार का विसर्जन इतनी जल्दी होता नहीं है, उसके लिए आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए आज अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना के साथ, कभी ऐसी खुराक भी तो होना चाहिए, है ना? हाँ, क्यों हर पारी में सेंचुरी थोड़ी लगती नहीं? हाँ, क्यों इतना, इतने से भी कम संतोष रखना चाहिए। मूल बात जो है उस मूल बात को करना भी जरूरी है। हाँ, कभी कभी जरूरी होता है समय, चूँकि उतना ही है इसलिए मैंने उस विषय को छुआ नहीं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम संस्कारों के प्रति निष्ठावान बने। सबसे बड़ी विडम्बना आज के युग में यदि है तो वो संस्कारों का अवमूल्यन है। लोग संस्कारों की बात भले करते हैं, संस्कारों पर बल कम देते हैं। हम संस्कारों पर बल दें, संस्कारों को प्रमुखता दें, स्वयं संस्कारवान बने, तभी हम एक संस्कार निष्ठ संतान को जन्म दे सकेंगे। आप लोग देखेंगे कि एक माँ तीर्थंकर जैसे महा मनस्वी को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करती है। ये गौरव नारियों को मिला है, जो नारायण की जननी बनने का सौभाग्य मिला। आप रत्न कुक्षी होने का गौरव धारण करती हो, तो उस गौरव को आगे बढ़ाना है, और वह तब होगा जब आप खुद अपने संस्कारों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। इस संस्कार के कार्यक्रम में 9 हर गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का एक भावना योग होगा, जो 9 माह तक 9 मिनट रोज करने का है। आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है, YouTube में बहुत से लोग कर रहे हैं। जो यहाँ आएंगे उन्हें प्रत्यक्ष उस भावना योग को करने का भी सौभाग्य मिलेगा। और विधिवत ये आपके गर्भ संस्कार का कार्यक्रम और जैन संस्कार का कार्यक्रम, जो आज के युग में बहुत अच्छी बात है। और उन सब बच्चों को भगवान के जन्माभिषेक में भी सम्मिलित होने का
शुभावसर प्राप्त होगा। अपने कर कमलों से जीवन का पहला अभिषेक भगवान के जन्माभिषेक के साथ संपन्न करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तीर्थंकर भगवंतों का प्रथम अभिषेक जन्माभिषेक होता है, दूसरा उनका राज्याभिषेक, तीसरा वैराग्याभिषेक और चतुर्थ अभिषेक कहलाता है जिनाभिषेक। तो पहला अभिषेक प्रथम अभिषेक के रूप में होना बड़ी बात है। आप सब अपने बच्चों को लेकर के आए, उनका विधिवत रजिस्ट्रेशन कराएं तो लाभ होगा। अभी मुझे सूचना दी, कल यहाँ की गौशाला का स्थापना दिवस है, लगभग 20 साल हो गए, 23 वर्ष यहाँ की गौशाला को स्थापित हुए हैं, और वहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन गौ ग्रास की योजना होती, निश्चित ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। जीव दया का कार्य सभी को करना चाहिए, आप लोग इसके लिए भी उत्साहित बने रहें। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो, राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो, का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, धरती के हर प्राणी का
मन मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, मंगल में हो, प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, धरती का कन कन पावन ओ मंगल में हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।